फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव आयोग तक पहुंच गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ओम पाठक और विनोद तावड़े भी चुनाव आयोग तक पहुंचे हैं और शिकायत की है किस तरह से कंगना रनौत को लेकर एक भद्दी टिप्पणी की गई है और इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंची भारतीय जनता पार्टी। जो तस्वीर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की, जो मंडी हिमाचल प्रदेश में संसदीय क्षेत्र है वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ किस तरह की टिप्पणी की गई। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि यह भद्दी टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं हुई थी, उनके इंस्टा हैंडल पर हुई थी, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। से हम चार लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से हम मिले और चुनाव आयोग से जिन बातों का जिक्र किया उसमें पहली बात ये थी कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही किस्म के वक्तव्य पे या कृति पर अलग अलग अपनी भूमिका लेते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री शोभा जी के कुछ वक्तव्य पर कुछ एक्शन हुई और उसी प्रकार का वक्तव्य तमिलनाडु के मंत्री ने करने पर वहां कोई एक्शन नहीं। ऐसे डिस्क्रिपेंसी, इसका कारण क्या है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है, बंगाल है, ऐसे कुछ राज्यों में वहां के चुनाव अधिकारियों की भूमिका कई बार अलग नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में चुनाव अधिकारी अलग अलग एक्शन ले रहे हैं एक ही तरह के बयानों पर, इस पर इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकर्षित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे सहयोगी पीयूष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, भारतीय जनता पार्टी की शिकायत जो हुई है केवल दक्षिण के राज्यों तक सीमित है या पूरे देश में चुनाव आयोग किस तरह की कार्रवाई कर रहा है उसे लेकर यह है? जी गौरव, आपको बता दें कि पूरे देश में जिस तरह की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है उसको लेकर बीजेपी ने आज कंप्लेन की है और साथ साथ इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकर्षित करते हुए ये बताया है कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनका रवैया बीजेपी के नेताओं की तरफ ज्यादा कड़ा है बनिस्पत जो रवैया उनका कांग्रेस के नेताओं की तरफ है। बीजेपी के डेलीगेशन का ये भी कहना है कि जिस तरह के बयानबाजी चाहे कर्नाटका में मंत्री के द्वारा दिए गए हो या डीएमके के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं उस पर चुनाव आयोग का जो रुख है वो कड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी अगर बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कड़ा रुख अपना लेता है। तो इसी के मद्देनजर आज चुनाव आयोग के दफ्तर बीजेपी का एक डेलीगेशन पहुंचा था। इस डेलीगेशन में विनोद तावड़े, अश्विनी वैष्णव, संजय मयूख, ओम पाठक जो बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं वो सब यहां पर पहुंचे थे।